सो दोस्तों 2020 में अगर लैपटॉप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का वेट किया गया है तो वो है AMD की तरफ से Ryzen 4000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के साथ आने वाले लैपटॉप्स का। तो फाइनली हमें कुछ देर पहले ASUS ने प्रोवाइड करवाए ASUS TUF A15 में 4000 सीरीज़ के प्रोसेसर, लेकिन हमें उन लैपटॉप्स में कुछ कमियां देखने को मिली एंड कुछ वेरिएंट्स काफ़ी ओवरप्राइस्ड भी थे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक लैपटॉप जो फ्लिपकार्ट में लिस्ट हुआ है HP की तरफ से HP Pavilion 15 सीरीज़ का Ryzen 4000 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ एंड काफ़ी कम प्राइस में लिस्ट हुआ है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रियली वॉन्ट टू थैंक वन ऑफ माई सब्सक्राइबर मृगांक सिंह एंड उन्होंने ही मुझे पर्सनली ईमेल करके ये अपडेट दिया है HP Pavilion का एंड HP के NV का। NV की हम बात अलग वीडियो में करेंगे बट Pavilion की आज बात करते हैं। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं एंड अगर आपको ये अपडेट अच्छा लग जाए, लैपटॉप सही लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम डिज़ाइन की। डिज़ाइन में यहाँ कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही लास्ट टाइम वाला डिज़ाइन जो आपको मिलता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि सेम ही सीरीज़ है तो क्या ही डिज़ाइन में चेंज करेंगे। ब्लू कलर का आपको बैकलाइट सपोर्ट मिलता है, कीबोर्ड से लेके बिल्ड क्वालिटी से लेके हिंज तक सारी चीज़ें आपको जो है पहले जैसी ही मिलती हैं। बट आपको चेंज देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशंस में एंड एक्चुअली स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या मिलता है आपको स्पेसिफिकेशंस में, चलिए बात करते हैं। सो दोस्तों आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो एंटी ग्लेयर होगा, IPS डिस्प्ले होगा, 250 निट्स की ब्राइटनेस होगी, 45% NTSC कलर गैमेट विच इज इक्वल टू 60% sRGB 141 PPI आपको देखने को मिलेगा। एंड द गुड थिंग इज द मेन हाईलाइटिंग थिंग इज द प्रोसेसर AMD Ryzen 5 4600H प्रोसेसर। एंड आपको जो है ये लैपटॉप फ्लिपकार्ट में मिलता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाय नहीं कर सकते क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है बट आप चेकआउट ज़रूर करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्राइस इस लैपटॉप का सबसे इंटरेस्टिंग है फिलहाल, पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। देखो मुझे इस लैपटॉप का किसी और सोर्स से पता तो नहीं चला बट ये स्पेसिफिकेशंस एंड लैपटॉप सही इसलिए है क्योंकि इसमें 8GB DDR4 रैम मिलती है, दो स्लॉट्स, 3200 MHz की रैम है, 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, 1TB की हार्ड डिस्क मिलेगी सिर्फ, वो भी सिर्फ 5400 RPM। एंड जिस चीज़ से मुझे लगा कि नहीं ये लैपटॉप एक्चुअल में आएगा एंड ये सही स्पेसिफिकेशंस है वो है ये DDR6 का NVIDIA GTX 1650 4GB मिलता है। 2019 में हमें DDR6 नहीं मिलता था, 2020 में ही हमें DDR6 देखने को मिला है। एंड अगर इस लैपटॉप में DDR6 दिया गया है इसका मतलब ये स्पेसिफिकेशन सच है एंड ये लैपटॉप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड इसके और भी ज़्यादा मॉडल्स आ सकते हैं क्योंकि एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी कि इसमें आपको SSD नहीं मिलती, बट हो सकता है कि इसमें डिफरेंट मॉडल्स आपको देखने को मिले क्योंकि ये पर्टिकुलर मॉडल काफ़ी सस्ता है। ये मॉडल आपको सिर्फ मिलता है अराउंड 47,000 के करीब। तो अगर एक अच्छा मॉडल 256GB या 512GB SSD के साथ 55,000 के करीब भी आता है तो वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली होगा। उसके बाद 52.5 Wh की आपको बैटरी मिलेगी, 8 घंटे का बैटरी बैकअप होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पोर्ट्स में आपको एक USB टाइप सी मिलेगा, टाइप ए 3.1, एक USB 2.0, HDMI 3-in-1 कार्ड रीडर, माइक इन RJ45। तो ये पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट टाइम जैसी ही सेम है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे जो मेजर अपग्रेड्स आपको देखने को मिले वो क्या हैं, प्रोसेसर को लेके एंड ग्राफिक्स का DDR6 मिलता है, यानी अब मार्केट में कंपटीशन आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक्चुअली में ये लैपटॉप इसी प्राइस में आता है जो फ्लिपकार्ट में मेंशन किया है या इससे अगर 1-2 हज़ार भी ज़्यादा आएगा तब भी वैल्यू फॉर मनी कंसिडर किया जाएगा। बट एक जो कमी आपको इस लैपटॉप में अभी देखने को मिलती है वो ये कि SSD नहीं है। हो सकता है इसके कुछ और वेरिएंट्स आए एंड आई बिलीव कि वो आने चाहिए अगर मार्केट में कंपटीशन लाना है, बट ये लैपटॉप देख के मुझे इतना तो ज़रूर बिलीव हो गया कि फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव है, Ryzen 4000 के साथ लैपटॉप सस्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ASUS को और Acer को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा एंड अपने लैपटॉप्स के प्राइसेस को थोड़ा एग्रेसिव करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में लेट्स से ऐसा होता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ HP इसी सीरीज़ में एक ऐसा वेरिएंट ले आए जिसमें SSD भी मिलती है एंड 6050 Ti भी मिल जाए एंड वो 60,000 के करीब आ गया और अच्छी डिस्प्ले, अच्छे कूलिंग सिस्टम के साथ हुआ, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन एक्चुअली में मार्केट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही एंड अगेन थैंक्स टू द सब्सक्राइबर मृगांक सिंह जिन्होंने मुझे इस लैपटॉप के बारे में बताया एंड मैं ये वीडियो बना सका। सो द टोटल क्रेडिट गोज टू यू मैन एंड थैंक यू वेरी मच, कीप अपडेटिंग मी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको टाइमली वीडियोज मिलते रहें। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।